हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक और टॉपिक, और वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजंस। मैंने पहले टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम्ड डिसीजंस की और टाइप्स हैं, जिसकी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊँगी। तो आज हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली मैंने एक फ्लो चार्ट डाइग्राम, नॉट फ्लो चार्ट बट डायग्राम बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिसीजंस की दो टाइप हैं, प्रोग्राम्ड डिसीजंस, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। प्रोग्राम्ड डिसीजंस की फर्दर तीन टाइप हैं, प्रोसीजर, पॉलिसी एंड रूल। अब अगर आप आउट ऑफ द बैग देखें, ऐसे ही देखें, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम तो मैं वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ साथ कार्ड पे भी होगा। इसमें हम देखेंगे प्रोसीजर, पॉलिसी और रूल। अब क्या है प्रोसीजर, देखें प्रोसीजर क्या कह रहा है, एक प्रोसेस, ठीक है? प्रोसीजर क्या कह रहा है, खुद से खुद ही वो कह रहा है, एक प्रोसेस, यानी एक फ्लो में एक काम जिसके कुछ स्टेप्स हों, जो जाके हो, एक प्रोसीजर पूरा, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल लें, एक रेस्टोरेंट में हो सकता है हमारा खाना बनाने का प्रोसीजर, ठीक है, खाना सर्व करने का प्रोसीजर, लेकिन दिस वोंट एग्जैक्टली कम इन डिसीजंस, लेकिन सॉर्ट ऑफ आ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिजर्वेशन कराता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने एंड टाइम पे कैंसिल करवाया, तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है? एंड देन देयर इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या है कि एक रेस्टोरेंट का है, हमारी पॉलिसी है कि हम कस्टमर्स को सबसे पहले रखते हैं, कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कस्टमर की सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हो और आप देख रहे हो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, कस्टमर इस चीज़ से खुश होगा, तो आप मोस्टली उस पे जाओगे, क्योंकि हमारी रेस्टोरेंट की पॉलिसी है। एंड देन रूल, रूल इज़ बेसिकली जो एक डायरेक्ट बात है, ठीक है? आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक रिजर्वेशन कोई आई, कैंसिल हो गई, तो आप कहेंगे मैम हमारा रूल है कि 10% अमाउंट जो हमने एडवांस लिया था उसमें से हम रखेंगे। तो ये रूल गिवन है, ये हो सकता है मुझे आपने रिजर्वेशन से पहले बता दिया हूँ और मैंने उस पर अग्री किया हूँ, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अ प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स अ मैनेजर यूजेस टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? अब प्रोसीजर की सबसे इजी एग्जांपल आप ले लें, आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, अल्लाह ना करे, बट यस, तो आपने कहा मैं रीचेकिंग करवाऊँ, तो रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है, आप यही पूछेंगे ना उनसे, आपको ये तो पता है रीचेकिंग होती है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, तो वो आपका प्रोसीजर हो गया। अब पॉलिसी, अगर आप देखते हैं कि आप कहें कि यार ये रीचेकिंग मेरी हो सकती है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ वो पॉलिसी है रीचेकिंग की, स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो तो हम कर देते हैं, ऑफकोर्स उस पर थोड़ी फीस है, लेकिन पॉलिसी है ये। आप ज़्यादा पूछ सकते हैं, आप फिर प्रोसीजर पूछेंगे, फिर इस तरह से। इसको आप यूँ भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप, बहुत दफ़ा होता है यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एब्सेंस पे आपकी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता, या आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप उसके लिए अगर आपके पास एक जेन्युइन रीज़न था एब्सेंट होने का, तो आपके पास एक प्रोसीजर होगा, ठीक है? लेकिन हमारा रूल है 7 एब्सेंस पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो रूल है, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम स्टूडेंट्स को उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सिचुएशन को देखते हैं। तो अगर आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है, कोई हॉस्पिटल का कुछ भी, अल्लाह ना करे, बट यस, तो उसका एक प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटी में, सो दैट्स प्रोसीजर। नाउ रूल, अ रूल इज़ एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स अ मैनेजर व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन। रूल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिकॉज दे आर सिंपल टू फॉलो एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स अबाउट लेटनेस एंड एब्सेंटिज्म परमिट सुपरवाइजर्स टू मेक डिसिप्लिनरी डिसीजंस रैपिडली एंड फेयरली। एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है कि अगर वो 3 दफ़ा लेट आए तो उनकी 1 लीव हो जाएगी। अब अगर उनके पास लीव हो सकता है विद इन 1 ईयर कोई 12 पेड लीव्स थी, तो
वो उनके पास, उनमें से एक उनकी चली गई, अब 11 रह गई। जैसे ये सारी खत्म होंगी तो क्या होगा, उनके पे कटना शुरू हो जाएगी। तो ये रूल है, ये गिवन है, ठीक है। 3 एबसेंट हुई, एक आपकी ऑफ लग गई, 12 लीव्स आपको गिवन है एक साल में, आप उनको लें ठीक है, अगर उनसे ज़्यादा लें तो आपकी सैलरी कटेगी। दिस इज़ अ रूल एंड बहुत क्लियर एक्सप्लिसिट है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। पॉलिसी, द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम डिसीजन इज अ पॉलिसी विच इज़ अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन। क्या ये गाइडलाइन है डिसीजन बनाने के लिए? इन कंट्रास्ट टू अ रूल, अ पॉलिसी इस्टेब्लिशेस जनरल पैरामीटर्स फॉर द डिसीजन मेकर रादर देन स्पेसिफिकली स्टेटिंग व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। ये डायरेक्ट नहीं बताता यार ये करना है ये करना है, ये आपको एक जनरल पैरामीटर देता है जिस पे डिसीजन बनाना चाहिए। पॉलिसीज टिपिकली कंटेन एन एम्बिगुअस टर्म दैट लीव्स इंटरप्रिटेशन अप टू द डिसीजन मेकर। पॉलिसीज यूजुअली क्या करते हैं, एक एम्बिगुअस टर्म रखते हैं जो कि इंटरप्रिटेटर पे है, यानी जो डिसीजन बना रहा है उस पे है कि वो किस तरह से उसको देखता है, किस तरह से उसको परसीव करता है, सोचता है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिसी स्टेटमेंट्स की, द कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। क्या है, कस्टमर हमेशा पहले आता है, जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी, वी प्रमोट फ्रॉम विद इन वेन एवर पॉसिबल। हम कंपनी के अंदर से ही प्रमोट करते हैं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, जब जब पॉसिबल हो। एम्प्लॉय वेजेस शेल बी कम्पिटिटिव विद इन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अब ये मार्केट कम्पिटेबल सैलरी का अक्सर लिखा होता है, तो आप कहते हैं यार कितनी है ये तो बताओ ना, मार्केट कम्पिटेबल तो जितनी बोलोगे उतनी बोलोगे, हाँ यार ये मार्केट में इतनी चल रही है। यू यू गेट कन्फ्यूज, सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च एनालिस्ट की कोई अमाउंट बनती है, लोग पीपल इवन पे 15K, ठीक है, 20K, बट मोस्ट कॉमनली 40K होती है। तो अब आप कहते हो यार मार्केट कंपेटेबल क्या, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, तो व्हाट इज इट कि वो 20 to 40K के अंदर लाई करेगी, इससे ऊपर भी होती है 45 50, लेकिन वो ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी, मार्केट यूजुअली यहाँ पे होती है तो यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इनमें से वो कोई भी हो सकती है। अब इसमें यही कह रहा है कि आप देखें, एम्प्लॉय वेजेस शेल बी कम्पिटिटिव विद इन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, बट अगर किसी और बंदा, कोई और बंदा कहता है यार 15,000 भी तो मिल रही है ना मार्केट में, लोग काम कर रहे हैं ना, लेट्स पुट दैट, तो एक मैनेजर ये रख सकता है। और उसी कंपनी में जब दूसरा मैनेजर आया, उसने कहा यार बॉस 15K तो बहुत कम है, इसमें तो सिर्फ ऐसे ही जो फर्स्ट बंदे होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, वही आते हैं, तो 20 to 40K तो कम से कम करें। तो वो उसकी परसेप्शन है, तो हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन है, वो इस हिसाब से वेजेस रखेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस होल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। आई होप समझ आई, अगर आई तो डू गिव दिस वीडियो थम्स अप और शेयर कर दिया करें यार, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो जो इन चीज़ों को पढ़ रहे हों, जिनको आपको लगे कि फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।